आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान सामान्य ज्ञान का ये चौथा टेस्ट सीरीज है, यानी इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला ये चौथा टेस्ट है, जिसमें आप अपना टेस्ट देकर देखिए और आप अपनी तैयारी को देखिए। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट हो सकते हैं, तो आप इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की तैयारी जो है वो आगे भी चलती रहेगी। जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन की तो हो ही रही है, इसके साथ साथ और भी जैसे सीईटी है, बीएसटीसी है, पीटीटी, वीडियो, आरएस, यानी इन सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो आप जैसे राजस्थान पुलिस, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, सभी प्रकार की भर्तियों के लिए जो राजस्थान में आयोजित हैं, उन सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है ये जीके टेस्ट सीरीज है चौथा। सबसे पहले देखिए प्रश्न क्या आ जाता है। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? वास्तुविद मंडन को, महाराणा कुंभा को, नरेश भूपत को, चित्रांगद मौर्य को, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। इसमें दो नंबर उत्तर सही है। यदि किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है, तो आप अपनी ऑथेंटिक बुक से मिलान करें और मुझे भी सूचित करें, ताकि उसका सुधार किया जा सके। वैसे पूर्ण सावधानी के साथ बनाया गया है, लेकिन फिर भी यदि कहीं पर आपको डाउट होता है, तो आप अपनी ऑथेंटिक बुक से मिलान जरूर करें। शिल्प शास्त्री मंडन का लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं? इनमें से मंडन का कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ नहीं? प्रसाद मंडन, वास्तुसार मंडन, रूप मंडन, कला मंडन। कला मंडन नहीं है, इसमें तीनों तो मंडन के हैं। प्रसाद वास्तुसार, यानी रूप रूप प्रसाद वास्तु, ये तो हैं इसके, लेकिन कला मंडन इनका नहीं है। किस शासक के प्रश्रय में वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, वो सिहाड़ गांव, ये नाथ द्वारा के पास सिहाड़ गांव में स्थापित की गई। वो उस समय शासक कौन थे? सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराणा करण सिंह, महाराणा राज सिंह, और वो महाराणा राज सिंह प्रथम थे। इसमें चार नंबर उत्तर सही है। किस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? कौन सा अभिलेख है जिसमें शाकंभरी के चौहान शासक के उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? चीरवे का अभिलेख, बिजोलिया शिलालेख, सामोलिक अभिलेख, कीर्ति स्तंभ, और इसमें बिजोलिया का अभिलेख है। कौन सा है? बिजोलिया का अभिलेख है, जिसमें शाकंभरी के चौहानों की शासकों की गाथाओं का वर्णन उसमें आपको मिलेगा। ढूंढाड़ नामक राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई? ये तो आप जानते ही हैं, ढूंढाड़ जयपुर को कहते हैं। जयपुर का संबंध कछुआ राज वंश से है, तो इसका मतलब कछुआ वंश हो गया। इसमें दो नंबर सही है। राठौड़ वंश का शासन राजस्थान के किस भाग में था? राठौड़ वंश का कांठल में, मारवाड़ में, अर्बुद में, वागड़ में, आप जानते हैं मारवाड़ में था। इसमें तीन नंबर सही है। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक की पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में किया? महाराणा कुंभा ने, आप जानते हैं कि महाराणा कुंभा वो थे जिसमें मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 से ज्यादा दुर्ग जो है उनके बनवाए हुए हैं। तो विजय स्तंभ जो उन्होंने बनाया था, तो फिर वो किस शासक पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया? राजा मालदेव, महमूद खिलजी, और आपके अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। महमूद खिलजी को जब उन्होंने जीता था, तो उस उपलक्ष्य में उन्होंने ये विजय स्तंभ बनवाया था। दो नंबर उत्तर इसमें सही है। कुंभा के शिल्पी थे मंडन, उनके द्वारा लिखित निम्न में से कौन सा ग्रंथ है वो मूर्ति कला से संबंधित है? कौन सा है? प्रसाद मंडन, कोदंड मंडन, रूप मंडन, और आपके राजवल्लभ मंडन, वो है इसमें रूप मंडन। तो इसमें कौन सा हो गया? रूप मंडन हो गया, यानी दो नंबर उत्तर सही है। लालगढ़ पैलेस बीकानेर का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर में जो लालगढ़ पैलेस है, उसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा राय सिंह ने, महाराजा अनूप सिंह ने, महाराजा कर्ण सिंह ने, और वो करवाया था गंगा सिंह ने। किसने करवाया था? गंगा सिंह ने। तो एक नंबर उत्तर सही है। राजस्थान का भागीरथ उपनाम से किस राजा को जाना जाता है, किस शासक को जाना जाता है? महाराजा गंगा सिंह को, महाराजा अनूप सिंह को, राजा मालदेव को, महाराज राज सिंह को। महाराजा गंगा सिंह को जो है राजस्थान के भागीरथ के नाम से जाना जाता है। इसमें एक नंबर सही है, एक नंबर इसमें सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, ये आपके पॉलिटी के भी, यानी आप कह रहे थे कि सर पॉलिटी के प्रश्न भी लाओ, तो ये पॉलिटी के प्रश्न भी मैंने 5-7 शामिल किए हैं इसमें, ताकि आपका पॉलिटी भी अच्छा हो जाए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों में स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों की वीटो शक्ति। आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको भारत शासन अधिनियम 1919 हम कह सकते हैं, 1919, जिसमें प्रांतों में दोहरा शासन शुरू किया गया था, तो इसमें प्रांतों में दोहरा शासन, जिसको अपन ने द्वैत शासन पढ़ा होगा,
द्वैत शासन, तो इसमें दो नंबर सही है। और ये द्वैत शासन जो है वो 1935 का, जो भारत शासन अधिनियम 1935 का हुआ था, उसमें प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में शुरू हुआ था। तो प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो गया था 1935 में, और उसी समय कौन सा लागू हो गया था, केंद्र में लागू हो गया था। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का संविधान लागू नहीं हुआ तब तक स्वतंत्रता के बाद में शासन कैसे चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, और उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 है, यूं कह सकते हैं कि लगभग ऐसा कहा जाता है कि दो यही जो भारत का संविधान है वो उसी से प्रेरित है, उसी से लिया गया है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? जब भारतीयों को जो आजादी सौंपी गई उसे कौन सी योजना के नाम से जाना जाता है? आप जानते हैं, माउंट बेटन योजना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? माउंट बेटन योजना के नाम से। 3 नंबर सही है। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ? यह मैंने अभी आपको बता दिया है, 1935 के अंतर्गत जो अधिनियम हुआ था उसमें केंद्र में द्वैत शासन स्थापित हुआ और प्रांतों में शुरू हो गया। प्रांतों में स्वायत्तता आ गई और वहां पर वो हो गया। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस एक्ट से मिला? अर्थात अलग अलग संप्रदायवाद जो वोटों का अधिकार मिला था, निर्वाचन का अधिकार मिला था, वो कौन सा था? 1909 का एक्ट था जिसको मार्लेमिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें निर्वाचन का पृथक अधिकार प्राप्त हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या शामिल नहीं है? भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी ये 5-7 प्रश्न ऐसे हैं, फिर बाद में राम राजस्थान जी के और आ जाएगा। संघीय सरकार की स्थापना, एक संघीय न्यायालय की रचना, ब्रह्मा को भारत से अलग करना, साइमन कमीशन का गठन किया जाना। 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सी चीज शामिल नहीं थी? कि संघीय सरकार स्थापना है, संघीय न्यायालय की भी है, ब्रह्मा को भी अलग किया गया था, लेकिन साइमन कमीशन वाली बात इसमें नहीं है। वह साइमन कमीशन जो 1927-28 में अपने भारत में आया था उसका इसमें विवरण नहीं है, तो इसमें 4 नंबर उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। किस अधिनियम में केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में गया? कौन सा अधिनियम था जिसमें तीनों सूचियां थी, संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची, जिस प्रकार अपने भारत के संविधान में है, वो कौन सा है? 1935 वाला ही। कौन सा है? 1935 वाला ही, भारत शासन अधिनियम 1935 ही। 1935 के अधिनियम को अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा किसने दी? और वो दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1 नंबर उत्तर इसमें सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी है। फिर से हम राजस्थान जीके की ओर लौटते हैं कि मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा किसने की थी? वो कौन थे? चूड़ा थे। कौन थे? चूंडा थे। इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही है। हवा महल का निर्माण कब और किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने 1739 में, सवाई ईश्वर सिंह ने 49 में, सवाई माधो सिंह ने 1799 में, सवाई प्रताप सिंह ने 1700, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो सही है। झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसने और कब स्थापित की? झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसने? झाला मदन सिंह ने, झाला मदन सिंह ने की थी। 1 नंबर सही है। झाला मदन सिंह ने 1838 ईस्वी में, और ये लेटेस्ट रियासत भी थी, सबसे नवीनतम रियासत भी थी। रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंबोर के चौहान वंश का, रणथंबोर के गोविंद राज, कौन था? गोविंद राज। इसमें 2 नंबर उत्तर है वो सही है। सारंगपुर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? सारंगपुर का युद्ध आप जानते हैं किसके बीच हुआ था, राणा कुंभा और सुल्तान महमूद के मध्य 1437 ईस्वी में हुआ था। देखिए इसमें दो ऑप्शन, देखिए 1415-37 होगा, नहीं 1530 भी नहीं होगा, 1437। इसमें भी 37 है, इसमें भी 37 है, लेकिन इसमें देखिए राणा कुंभा और कुतुबुद्दीन ऐबक है, जबकि ये गलत है। राणा कुंभा और महमूद के बीच में जो हुआ था वो है इसमें, इसका अर्थ है इसमें 4 नंबर सही है। चंपानेर की संधि किन किन के बीच में हुई? चंपानेर की संधि राणा सांगा और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के बीच, राणा कुंभा और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के बीच, गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन और मांडू के सुल्तान महमूद के बीच, इसी के बीच हुई थी। यानी गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन और मांडू के सुल्तान महमूद के बीच में हुई थी चंपानेर की संधि। 3 नंबर सही है। जैसलमेर के भाटी राजवंश का राजपूतों की किस शाखा से संबंध है? भाटी राजवंश का, भाटी राजवंश का यादव शाखा से है। किससे है?
यादव साकस है, इसमें 3 नंबर सही है। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का क्या उद्देश्य था, अकबर क्या करना चाहते थे? वो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहते थे। ये तीनों ऑप्शन नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। इसी प्रकार देखिए, किस लोक संत की प्रमुख पीठ कात्यासर बीकानेर में है? कात्यासर बीकानेर में है, और कौन सा संत है जिसकी प्रमुख पीठ है वो कात्यासर में है? जाम्बो जी की, जसनाथ जी की, हरिराम दास जी की, संत दास जी की? वो है जसनाथ जी की। किसकी है? जसनाथ जी की, जो अग्नि नृत्य किया करते हैं। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान में आए थे? राजस्थान में किसके शासनकाल में आए थे? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में आए थे। 4 नंबर उत्तर इसमें सही है। दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ नारायण अजमेर, नारायण जयपुर और शाहपुरा धौली दूब अलवर, इसमें नारायण जयपुर कहाँ है? नारायण जयपुर 2 नंबर उत्तर है वो इसमें सही है। मैं समझता हूँ ये 30 प्रश्न आपके अच्छे हैं। कैसा लग रहा है जरूर मुझे बताइएगा, और भी कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कॉलेज की पढ़ाई भी आपकी हो सके।